रहा है। कितने दिन के बाद है गणपति वो पता है? 2 दिन के बाद गणपति आ जाएगा हमारे ग्रुप कॉम्प्लेक्स में। मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और अभी बजे सुबह के 11:45, वो देखो घड़ी 15 मिनट जरा पीछे। तो मैं आज क्लास से जल्दी आया क्योंकि क्लास वाले ने जल्दी छोड़ा इसलिए। तो अभी मेरा तो चाय नाश्ता तो हो गया था, चाय और टोस्ट खाए थे मैंने सुबह। और अभी ये देखो मम्मी ने नाश्ता बनाया, फोड़ने का बात है। मतलब जो टेस्ट है ना उसकी, मतलब फ्राइड राइस तो दूर ही है, ये तो बहुत टेस्टी लगता है। आप भी ट्राई करो, आपने भी कभी खाया रहेगा बट मालूम नहीं अभी खाया कि नहीं। तो काम करता हूँ, मेरे मोबाइल में लिटरली चार्जिंग बहुत कम है, सिर्फ 15% है। और ये मोबाइल बोल रहा है तू ब्लॉग बना नहीं सकता, तो इसलिए फटाफट से नाश्ता वगैरह करता हूँ और पहले मोबाइल को चार्जिंग लगाता हूँ। फिर जब चार्ज हो जाएगा मोबाइल तब हम बातें करेंगे। तब तक के लिए मैं नाश्ता वगैरह करता हूँ। और बस आज का वेदर देखो ऐसा ठीक ठाक है, मतलब ऐसा बारिश आएगी शायद, आज तो बारिश आएगी। मतलब सुबह लिटरली इतनी धूप थी ना, पूरा पसीना पसीना होके आया था मैं घर पे। देखो जो आपने मेरा ब्लॉग देखा क्या पसीना वाला? नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फटाफट से जाके देख लो। बड़बड़ नहीं करता हूँ, फटाफट से नाश्ता वगैरह खाता हूँ और मोबाइल को चार्जिंग पे लगा देता हूँ। 2000 years later. पहले भी मैं तो मतलब मेरे जो मोबाइल की चार्जिंग है ना वो भी कंप्लीट हो गई और मैं भी ना इतना सो गया था ना। अभी लिटरली बजे देखो, अभी बजे 4 दे मैं 15 मिनट्स क्लॉक पीछे ना तो जाने दो। अभी 4 बजे अभी मैम अभी आ गया मेरे घर पे, कुछ काम धंधा नहीं इसको भी शायद काम धंधे ना है क्या मसला है भाई। जब भी मैं इनका घर पे जाता हूँ तुरंत मम्मी को फोन करता है, तेरा बेटा यहाँ पे बैठा है करके, मतलब जाने दो कोई फायदा नहीं। और यहाँ पे देखो अभी धूप भी आ गई और आधा एक घंटा यहाँ पे घर पे रुकता हूँ। और मम्मी ने मुझे काम दिया था वो लहसुन छीलने का था, तो फटाफट से वो काम कर दो। आज मैं आपको कुछ तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखाने वाला हूँ। अभी वो क्या इंटरेस्टिंग चीज है ना वो मैं आपको शाम को बताऊंगा, क्योंकि अभी तो बहुत लिटरली धूप है देखो बाहर, इतनी धूप में तो मैं जाने नहीं वाला हूँ। और यहाँ पे अभी आए चाय पीने के लिए, इसका मेन कारण तो यही है, इसको चाय पीने के लिए इसलिए वो आता है घर पे, ठीक है। और देखो जो पीसी का वो जो है ना पिछला साइड है ना वो टूट गया, इसलिए ग्लास लाए मम्मी ने। देखो कुछ भी किधर से भी निकाल लेते मम्मी, मतलब साफ सफाई करे ना मम्मी किचन में, इसलिए किधर से भी कुछ भी सामान लेके आती है दिखा देती है, देख बेटा ये ऐसा है, ये देख बेटा वो ऐसा है, ठीक है। तो आपको मिलता मैं डायरेक्ट शाम को एक चीज दिखा देगी। फाइनली जो मम्मी ने काम दिया था ना मुझे वो लहसुन छीलने का, वो फाइनली इतना खत्म हो चुका है। और मैंने ना मतलब कितने लहसुन छीले ना आपको दिखाता हूँ, ये देखो इतने सारे दिखने में तो एकदम छोटे से दिख रहे होंगे बट इतने ज्यादा है ना, लिटरली इतने ज्यादा है ना लहसुन। बाबा कुठे चलले? बाबा फिरला, सही है, बाबा भी घूमने के लिए जा रहे हैं और अभी मैं भी फ्रेश हो चुका हूँ, तो मैं भी अभी निकलता हूँ कोई बाहर घूमने के लिए। देखो धूप तो मतलब उतनी नहीं है बट है थोड़ी बहुत धूप है, कोई फायदा नहीं। तो आपको नीचे जाके बताता हूँ मैं किस बात के लिए इतना एक्साइटेड हूँ और क्या होने वाला है, क्या आने वाला है भाई, बहुत मजेदार होने वाला है। अभी जो व्लॉग आने वाले है ना 10-15 दिन के, वो बहुत ही अमेजिंग होने वाले। तो फटाफट से भी पाउडर व्यूडर लगाता हूँ और नीचे जाता हूँ। फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ नीचे जाने के लिए। और देखो धूप तो चली गई, वैसे है ही नहीं उधर, उस साइड ही धूप है शायद, या हमारे इधर धूप नहीं है। और फटाफट से भी तो रेडी हो चुका हूँ, अभी फटाफट से नीचे जाता हूँ, एक राउंड मार के आता हूँ और आपको दिखाता हूँ मतलब क्या चालू है, क्यों एक्साइटेड हूँ मैं उतना। चलिए फटाफट से नीचे जाता हूँ, मेरे सैंडल्स मुझे लगा था मेरे जो चप्पल रहते ना चप्पल इधर ही किधर तो है, हाँ क्योंकि ना मैं मेरी सैंडल ना इधर रखता नहीं है ना, मतलब ये जो डोर है ना उसमें रखता नहीं है ना, इसलिए मम्मी इधर फेंक देती है फिर। अच्छा मेरे शूज बेचारे यहाँ पर ही है, इसको ढक के रखने पड़ेंगे क्योंकि शूज तो जान से भी पहरे हैं मेरे लिए, सैंडल भी नहीं रही मेरे लिए। बाबा भूख चारा लगा थे समोसा वगैरह, हाँ नहीं लगातार मस्ती करते। तो चलिए मैं और बाबा एक साथ ही निकलते हैं नीचे। सक्षम कहाँ पे आप तुमने सक्षम को तो दिखाई नहीं क्योंकि सक्षम घर पे था ही नहीं, तो दिखाऊंगा कहाँ से। फिलहाल सक्षम की साइकिल यहाँ पे लगी हुई है और वो गए ट्यूशन, और मेरी गाड़ी यहाँ पे लगी हुई है और नया स्टैंड लगा शायद पापा ने, देखो नया स्टैंड लगा क्योंकि वो ना मतलब स्टैंड बहुत पुराना हो गया था, उसको जंग भी लगा था, वो टूट भी गया था स्टैंड, तो फटाफट से अभी राउंड मार गया था। बाबा समोसे की डील फिक्स ना समोसे की डील, समोसा चारता है ना वो चलो समोसा तो मिल जाएगा आज। सो गाइस फिलहाल बाबा को भी समोसा खाने की इच्छा हो रही है तो मैं भी एक हाथ मार लेता हूँ, काय खुटे तो बाबा को भी वड़ा पाव खाने की इच्छा हो रही है। बाबा वड़ा पाव ना
वड़ा पाव भाई, वड़ा पाव 70 रुपए का एक है, ठीक है। तो पापा को भी इच्छा हो रही है वड़ा पाव खाने की, तो मैं भी एक खा लेता हूँ भाई, खात मार लेता हूँ मैं भी। वड़ा पाव खाने की इच्छा हो रही है तो बाबा के साथ ना मैं भी एक हाथ मार लेता हूँ वड़ा पाव के। बहुत दिन हुआ मैंने वड़ा पाव नहीं खाया, तो वड़ा पाव खाने के बाद मैं बताऊँगा उस जगह पे जाके बताऊँगा कि मैं क्यों एक्साइटेड हूँ। फिलहाल मेरा जो वड़ा पाव है वो भी आ चुका है और बाबा भी खा रहे हैं वड़ा पाव। बाबा खाना वड़ा पाव। अभी ये सब आते वगैरह देखेंगे ना, फिर बाद में बोलेंगे। हाँ बस मेरा वड़ा पाव खा के हो चुका है। बाबा कैसा था वड़ा पाव? अगर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देखो, मतलब इकड़े जाए मैं इकड़े जाता, ठीक है। बनाते वक्त ना लोग ऐसे देखते है ना कि नहीं बाबा ये किसी का मर्डर ही कर रहा है, तो ठीक है पटर से जाता हूँ। और क्या एक्साइटमेंट है, किस चीज की एक्साइटमेंट है वो बताता हूँ। अभी जो इंतजार की घड़ी थी ना वो खत्म हो चुकी है, अभी मैं बता देता हूँ आपको मैं किस चीज़ के लिए इतना एक्साइटेड हूँ, क्योंकि 2 दिन के बाद आने वाले गणपति जी का, मतलब गणपति जी का 2 दिन के बाद आगमन होने वाला है। तो अरे सच्ची में भाई तुझे नहीं पता था? हाँ तो भाई इतना सब देखो, डेकोरेशन वगैरह सब कुछ क्या है, हमारे जो मंडल है ना गुरु प्रेम मित्र मंडल ग्रुप, तो यहाँ पे डेकोरेशन क्या, अभी डेकोरेशन क्या मतलब ये सिर्फ देखो ये मंडप बांधा है और उसके अंदर कोई डेकोरेशन नहीं, मतलब जो हमारे यहाँ डेकोरेशन होता था। रुक भाई इम्पोर्टेंट काम चलो यहाँ पे, रुक जरा, अरे ऐसे मस्ती नहीं करने का रे, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे ना 25 ईयर्स ना कम्प्लीट हो चुके हैं, मतलब हम दो यहाँ पे बांधते थे, मतलब गणपति जी का आगमन ना हम लोग यहाँ पे करते थे रोड पे ही डायरेक्ट, तो 25 ईयर्स हो गए। तो मतलब नहीं करने वाले थे बट ऐसा अच्छा नहीं लगता ना गणपति जी हमारे बिल्डिंग में नहीं आते, तो हम लोग ने सोचा कि यहाँ पे मंदिर में बिठा दिया जाए, तो हम लोग मंदिर में बिठा दे। तुझे कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। लग रहा है कितने दिन के बाद है गणपति वो पता है? 2 दिन के बाद गणपति आ जाएगा हमारे कॉम्प्लेक्स में। किसी चीज का मुझे, अरे बाबा तू थाम ना जरा, रुक भाई सबर कर, ठीक है। तो दो दिन के बाद गणपति जी आ जाएंगे और हमारे घर पे भी ना बहुत सारे डेकोरेशन का काम है ना वो भी बाकी है, तो जब पापा आएंगे तो पापा कर देंगे, हम लोग कुछ नहीं करते, मैं और मेरा भाई ना ऐसे ही बैठे रहते, मतलब पापा को जो चाहिए वो देते हैं बट जो डेकोरेशन वगैरह काम है ना वो पापा करते हैं। तू क्या ऐसे देख रहा है, मतलब कभी देखा नहीं क्या मेरा ब्लॉग? ठीक है तो पहले जा अपने दोस्त लोगों को बुला के ला, मतलब ये इतने आलसे हैं, लिटरली ये इतने आलसे हैं, तो इनको मतलब कुछ करने को बोला ना कुछ करते भी नहीं। जा अभी डेकोरेशन कर, जा अपने दोस्तों को बुला, जा डेकोरेशन कर जी। सिर्फ जी 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 आता है, करते तो नहीं है। तो बस यही मेरा आज का ब्लॉग का कंटेंट, और एक बहुत ही बड़ी खुशखबर है कि आपने जो इंडिया की टीम है ना वो भी जीत गई है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया जीतने की खुशी में। तो बस अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत घूम लेता हूँ और वड़ा पाव भी खा ही लिया, नाश्ता भी कर लिया, तो ये वाला ब्लॉग मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। तो बस यही बताने के लिए मैं ब्लॉग बनाने वाला था कि हम 2 दिन के बाद यहाँ पे गणपति जी विराजमान होंगे, और मतलब मुंबई का जो माहौल रहता है ना गणपति जी का वो मैं आपको दिखाता हूँ। जो मुंबई साइड जो गणपति आते हैं ना वहाँ पे तो भाई कब के आ चुके, मतलब कल या फिर परसों आ गए थे गणपति जी भाई, क्या विराजमान हुए थे, मतलब क्या ढोल ताशे बैंजो विंजो बिंडी मतलब सब कुछ। 2 साल के बाद गणपति जी आ रहे तो इतना धूमधड़ाका होने ही वाला है। बस आज का ब्लॉग मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। आज के भाई गुंडागर्दी इधर नहीं करने का, ठीक है। तो चल आज का ब्लॉग मैं यहाँ पे एंड करूँगा, मैं लास्ट में क्या बोलता हूँ चल बता, तू मेरा ब्लॉग देखता है ना बता, यहाँ पे आ। मैं क्या बोलता लास्ट में? मैं अभी रख एंड कर रहा हूँ। तू रहने दे भाई, रहने दे। तो गाइस बस आज का ब्लॉग मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। आई होप ये वाला ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल में सब्सक्राइब करना। सी इन द नेक्स्ट ब्लॉग। और 2 दिन के बाद गणपति जी आने वाले तो भाई बहुत मजा आने वाला है, तो बाय कर चल, मास्क से मत खेल।